हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग साउथ बाली के बारे में, मतलब कूटा, सेमिनाइट, जिम्बारान, ये साइड के बारे में। तो आइए इसके बारे में मैं आपको सब बता दो। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम लोग के होटल में। इट इज़ फॉक्स होटल, जिम्बारान बीच। सो यहाँ से बीच सिर्फ 240 मीटर्स पे, साइड में आपको अल्फामाट एंड एवरी थिंग है। मेन रोड से हार्डली 1 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको अंदर आना है। सो दिस इज योर होटल। So this is the dining area. You have a dining area, buffet, you have a sitting, a big water. You have a pool and everything upside. I guess 7th floor pe pool hai. So wahan pe bhi jayenge. That's the two lift room there. So let's go and explore. So this is our floor. This is the second floor. You have a sit out area. 230 to 253 rooms are over here. 201 to 226 over here. So this is our room. Let's go. So this is the washroom. We have a shower. Toiletries over there. This is a towel. This room, a mini fridge. Kettle, so cupboard, our luggage, TV. So this is the room. Big sofa over here. तो आपको ऑन दी वे मलेस्टी बीच जाते समय लग जाता है गरुड़ विष्णु कल्चरल पार्क। ये पार्क काफ़ी बड़ा है और इसका एंट्रेंस फी जो है वो था 1,20,000 IDR फॉर 1 पर्सन, बस घूमने के लिए। पार्क अब तक पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए हमने आगे जाके IDR ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि पूरा पार्क कंप्लीट नहीं था, जस्ट 3 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट है। तो हमने सोचा कि इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि 1,20,000 देने का एंड उसके बाद भी आपको पूरा पार्क देखने नहीं मिलेगा तो वर्थ नहीं है। एंड काफ़ी चलना पड़ता है। अगर आपको वहाँ पे कार हायर करना है, इलेक्ट्रिक कार हायर करना है, तो उसके लिए 40,000 अलग से पे करना है पर पर्सन के लिए। सो हमने सोचा है इतना पैसा डाल के कुछ मतलब नहीं था अगर पार्क कंप्लीट नहीं रहेगा तो। एंड हमारा शो का टाइमिंग भी काफ़ी कट टू कट हो रहा था, तो हमने सोचा था कि हम बस अंदर जाएंगे, इसके बारे में इंक्वायरी करते हैं और हम लोग बाहर आके फिर हम लोग मेलेस्टी बीच जाते हैं, क्योंकि हम लोग का केचैक डांस का टिकट्स बुक था। उसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप आगे वीडियो में बने रहिए। तो ये पार्क काफ़ी बड़ा है, चलने के लिए काफ़ी है। इवन इफ वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी हर स्ट्रक्चर्स काफ़ी लंबा लंबा है और वो स्ट्रक्चर आपको बहुत दूर से ही स्पॉट होता है, इवन एयरपोर्ट से भी आपको स्पॉट हो जाता है। एक उनका जो मेन स्ट्रक्चर है विष्णु जी का, तो ये था उसका पार्किंग एरिया। तो ऐसा शटल बस रहता है, आपको पार्किंग बस, ये शटल बस लेके आपको पार्क तक जाना रहता है, क्योंकि पार्क थोड़ा लंबा है वहाँ से। तो ये था उसका एंट्रेंस, साइड में आपको टिकट काउंटर था। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे, आप इसके अंदर जाके आपको एक व्यू भी मिलेगा। तो बस यही था गरुड़ विष्णु नेशनल पार्क, 3 ही तैयार था करके हम लोग गए थे एंड हमने वो स्किप करके हम आगे केचैक डांस पे ले गए थे। तो केचैक डांस होता है एक तो मेलेस्टी बीच पे, सेकंड होता है उल्लू वाटू टेम्पल। जनरली उल्लू वाटू टेम्पल पे काफ़ी फुल रहता है, आपको 2 दिन पहले बुक करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली सन और वो जो डांस चलते रहते हैं जिस फ्लोर पे उसके पीछे एग्जैक्टली सन सेट होता रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे भी सनसेट दिखता है पर वो क्रॉस डायरेक्शन में रहता है, तो आपको अगर वो फील चाहिए रहेगा तो आप उल्लू वाटू में बुक कीजिए। उल्लू वाटू टेम्पल आपको जाके कुछ ऐसा ये नहीं, क्योंकि आप टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते, आप वहाँ पे बस केचैक डांस देख लोगे। केचैक डांस काफ़ी अच्छा है, ये जो डांस है वो बेस्ड है रामायण स्टोरी पे। तो जैसे आपका जो प्रॉपर रामायण स्टोरी था, जैसे सीता को अगवा किया गया था रावण ने किया था, तो उसके बाद वानर सेना जो हनुमान जी थे वो रेस्क्यू करने के लिए गए थे, फिर राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, तो यही सब चीज़ों पे बेस्ड है रामायण के बेस्ड पे वो डांस बेस्ड है। डांस में जनरली कोई वर्डिंग्स नहीं, मतलब बोलते रहते हैं पर वो उनके लैंग्वेज में बोलते हैं, इंडोनेशियन भाषा में बोलते हैं। तो इसका जो फीस था मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया था इसका टिकट फ्लूक से, तो मुझे कुछ पड़ा था एंड अराउंड 1400 के समथिंग, तो 700 पर हेड के आसपास आया था। मे भी थोड़ा कम रह सकता पर उसी के आसपास था, 700 के आसपास। बीच भी काफ़ी अच्छा था, मलेश्वर काफ़ी अच्छा सनसेट था
एंड तो ये आपको पहले एक लेटर दिया जाता है, आई मीन एक ब्रीफ किया जाता है कि क्या एग्जैक्टली स्टोरी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको मिलता है। तो ये था व्यू, फुल रहता है, जगह नहीं मिलता। अगर आपको जगह चाहिए रहेगा आप जल्दी जाइए, एकदम सेंटर पॉइंट में बैठना है आपको ऐसा कुछ तो आप जल्दी जाइए। 6 से 7 बजे का इसका टाइम रहता है, 1 आवर का शो रहता है, एक ही रहता है दिन में यहाँ पे। तो आप याद रखिए कि आप जल्दी जाइए, सीट आप पकड़ लीजिए। तो ये पूरा डांस रहता है 1 आवर का। तो ये डांस में आप एक चीज याद रखिए, ये पूरा रामायण बेस्ड डांस है। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ा रहेगा या आपको पता रहेगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली इसमें कोई वर्डिंग्स और ऐसा कुछ लगता नहीं। आपको पूरा जो पहले शीट दिया रहता है उसी के वाइज उन लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी के पास उसी के उस हिसाब से वो डांस पूरा फॉलो होता है। यही सेम डांस उल्लूवाटू में भी होता है, पर उल्लूवाटू में इशू ऐसा है कि आपको उल्लूवाटू टेम्पल में जाने के लिए अलग एंट्रेंस फीस है, प्लस उसका पार्किंग फीस। यहाँ पे आपको ना पार्किंग फीस है ना एंट्रेंस फीस है, सिर्फ आपको जो डांस का जो फीस है 700 पर पर्सन उतना ही पे करना है, उसके आगे कुछ नहीं पे करना। पर अगर आप उधर जा रहे हो तो आपको 40,000 आईडीआर इज द एंट्रेंस फॉर 1 पर्सन एंड 5,000 इन द पार्किंग फीस। तो आपको ऑलमोस्ट 90,000 आईडीआर एक्स्ट्रा जा रहा है, मीन्स रफली अगर आप पकड़ेंगे तो 450-470 रुपीज़ के आसपास होते हैं, विच इज मच। तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आप वहाँ पे जाइए। हाँ, आपको उल्लूवाटू टेम्पल एक्सप्लोर करना है, टेम्पल के अंदर जाना अलाउड है, वहाँ से आप जो भी व्यू है वो आप ले सकते हैं, टेम्पल का फोटोज ले सकते हैं। आगे मैंने आपको बताया फोटोज के द्वारा, मैं वहाँ पे नहीं गया था क्योंकि मेरे को टाइम मैच नहीं हो रहा था, 7 o'clock तो बंद हो जाता है, 6 to 7 मेरा ये शो था, 1 घंटे का शो रहता है दिन में एक बार। आप मलाश्ती बीच पे जाइए या उल्लूवाटू पे कहीं पे भी जाइए, सेम शो रहता है, सेम टाइम रहता है। तो एक चीज याद रखिए कि आप मलाश्ती बीच में देखिए या उल्लूवाटू में, फर्क इतना ही है कि जो सनसेट हो रहा है वो उल्लूवाटू से काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जिधर ये डांस करे उसके सेंटर में एग्जैक्टली सनसेट होता है उल्लूवाटू टेम्पल में, और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पर आपका ऑलमोस्ट 450-500 रुपीज़ अगर बसता रहेगा तो यहाँ पे आने को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उल्लूवाटू का टिकट्स हर टाइम फुल रहता है, मीन्स आपको एक दिन पहले ही प्री बुक करना रहता है, उनके साइड से कीजिए, ग्रुप से कीजिए, वो आप पे है, वहाँ पे जाके तो आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। एंड आप अगर आपको टिकट भी मिला तो आपको वो जगह नहीं मिलेगा कि प्रॉपरली आप पूरा डांस देख सके, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कितना रश हो गया था। उससे बेटर है कि आप इधर आपका कंफर्म टिकट रहेगा, आप वहीं से जाइए, एक दिन दो दिन पहले आपको उल्लूवाटू के लिए बुक करना पड़ेगा। मेलाश के बीच में आपको एक दिन पहले किया तो भी चलता है, मिल जाता है आपको, कोई इशू नहीं। तो ये पूरा डांस था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एनर्जी लगता है इनको एंड काफ़ी मेहनत भी है ये डांस में, तो आप पूरा देख सकते हैं। ये डांस एक्चुअली 1 आवर का था, मैंने काफ़ी कट करके बताया, जितना इन्फॉर्मेशन रिलायबल था, जितना इन्फॉर्मेशन आपको देना था मैंने उतना ही दिया। पूरा डांस का वीडियो भी मेरे पास था, पर इतना बड़ा वीडियो आपको ही देखेगा नहीं, और वहाँ पे जो लाइव एक्सपीरियंस देखना है ना वो काफ़ी अलग है, मतलब इतना अच्छे से इन लोग परफॉर्म करते हैं।
काफी आपका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा ये सब डांस एंड एवरीथिंग देखते समय। ऐसा कोई एक्टिविटी रहता है तभी आपको मजा आता है कोई भी जगह पे जाने के लिए। बस कोई जाइए साइट सीइंग रहेगा, आप बस जाइए फोटो क्लिक कीजिए फिर से आइए, उसमें कोई उतना मजा नहीं है कंपेरेटिवली ऐसे कोई एक्टिविटीज देखने में। तो फिर मेरे हिसाब से तो भी आप मलाश्ती बीच को बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैसे का इशू नहीं रहेगा तो आप जा सकते हैं उल्लूवाटू टेम्पल भी। यहाँ से उल्लूवाटू टेम्पल इज़ अराउंड 7 to 8 kilometers, पर ट्रैफिक काफ़ी हैवी रहता है क्योंकि जो साउथ बाली है वो काफ़ी मतलब काफ़ी हैपनिंग प्लेसेस रहते हैं साउथ बाली में। कुटा, सेमिनाक, जिम्बारान, चांगू, ये सब गोवा लाइक प्लेसेज है। जैसा गोवा में आपको बागा, कलंगूट, ये जो प्लेसेज है सेम आपको मिलेगा बाली में। इसके लिए मैंने ये ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बस तीन ही चीज़ें, कानालॉट टेम्पल, उल्लूवाटू टेम्पल, ये केचैक डैम एंड आपको शॉपिंग मार्केट है, बस दैट्स इट। और दो बीचेज है कुटा एंड सेमिनाक, सेम एज बागा एंड चांगू, एंड कुछ बीच क्लब्स है। तो बीच क्लब नहीं एंजॉय किया था, पर मैंने क्रेटा या उबुद, जैसा मैंने आपको बताया था उबुद के आइटिनरी में, वो एंजॉय किया था। तो मैंने ये स्किप कर दिया था सब चीज एंड बस यहाँ पे डांस देखा एंड पूरा टाइम चिल किया था। तो ऐसा वहाँ पे फायर का एक शो रहता है, ये एग्जैक्टली रामायण में जैसा बताया गया था वही है, उसी को उन लोग बताते। तो यहाँ से जब आप रिटर्न जाते हैं, मीन्स जब पूरा शो खत्म होता है आप रिटर्न जाते हैं घर पे, तो ये जो व्यू है मतलब यहाँ से आप ऊपर, ये थोड़ा नीचे की तरफ है जो बीच है वो, आपको ऊपर मेन रोड पे जाने के लिए 10 minutes लगते हैं। तो वहाँ का व्यू वाज ऑसम जब सनसेट हो रहा था। Semuanya pokoknya I love. उल्लूवाटू टेम्पल का आप ऊपर टेम्पल देख सकते हैं और एक्जैक्टली आपको सन देख सकते हैं, आप सेंटर में सेट हो रहा है, वो अंधारा गेट है, इसके लिए यहाँ पे भीड़ काफी रहता है। तो अगर आपको पे करना है पे करके यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये था तानालॉट टेम्पल। तानालॉट टेम्पल बस फोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ओशन बनाया गया है। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जो पानी में, आपको साइड में जो केव टाइप दिख रहा है आपको वहाँ से जाना पड़ता है पानी में भीग के। जनरली कोई नहीं जाता है, मतलब टूरिस्ट को नहीं जाते वहाँ पे, बस लोकल चीज जाते हैं। एंड बाकी ये जो टेम्पल है वो बस व्यूज के लिए, यहाँ पे आपको एक्सेसिबल नहीं है, व्यूज देखने के लिए आप जा सकते हैं, काफी अच्छा व्यू है क्योंकि मिडल ऑफ द ओशन बनाया गया। तो अगर आपको विजिट करना है आप जा सकते हैं, हमने तो स्किप कर दिया था क्योंकि वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं था, बस व्यू था इसके लिए। तो ये था कुटा बीच। तो कुटा बीच, सेमिनाक बीच सब ऐसे ही है। अगर आप यहाँ बीच से अगर आप राइट साइड पे चलते हुए जा रहे हैं तो आपको आगे लगेगा सेमिनाक बीच, तो जस्ट लाइक गोवा का बागा बीच, कलंगूट बीच, सिंकरम बीच, जस्ट लाइक वही है कुटा एंड सेमिनाक बीच। बीच पे आपको जाने का कंटाला आ जाएगा क्योंकि अगर आप नूसा पेंटिडा ने अपना विजिट किया है तो वहाँ पे सिर्फ बीचेज है, तो आप पूरा टाइम बीच पे गुजरें नूसा पेंटिडा में, फिर आपको मन नहीं करता कि आके यहाँ पे फिर से बीच पे बैठे। आपको चिल करने का रहेगा, आप जा सकते हैं सनसेट देख सकते हैं, थोड़ा बहुत शेक पे इंजॉय कर सकते हैं, कुछ खाने को मंगा सकते हैं। हमने तो स्किप कर दिया था क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है नूसा पेंटिडा में, तो हमको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज़ में। इसके लिए लास्ट दिन हम लोग ने सिर्फ चिल के लिए रखा था। और साउथ वाली जनरली बहुत कमर्शलाइज है तो उतना मज़ा नहीं है, जो इंडिया में है गोवा में होता है वही इधर भी होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे। तो ये था सेमिनाक बीच, कुछ अलग नहीं है, बस सेम है, पर यहाँ पे शैक्स ज़्यादा है, काफ़ी कमर्शलाइज है, बाकी कुछ नहीं है। गोवा में जो सदन वाली है पूरा कमर्शलाइज है, उतना मज़ा नहीं आता है सदन वाली घूमने के लिए जितना आपको नॉर्थ और वेस्ट साउथ ईस्ट वाली ये सब घूमने का मजा आता है, इतना ये मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए हमने तो स्किप कर दिया था ये सब चीज़ें, हमने अच्छे से रिलैक्स किया हमारे होटल में। सो आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।